शब्द संपदा इस पाठ में डॉक्टर सूर्यनारायण सुबे जी कहते हैं कि शब्द के अपने स्वयं के लिए मौलिकता सिद्ध कर देता है। शब्द कई अपने स्वयं के लिए निरर्थक हो जाते हैं, कई शब्द आदमी को दुखी बना देते हैं, कई शब्द आदमी को प्रसन्न बना देते हैं। ऐसा शब्द के इस्तेमाल के प्रयोजन के ऊपर ही निर्भर रहता है। शब्द शब्द ही मन काटते है, शब्द शब्द ही का ही इदारा उसका मन जोड़ने का काम करते है। शब्द स्वयं के लिए अच्छे हो जाते हैं, कई शब्द निरर्थक बन जाते हैं, कई शब्द रोने लगाते हैं, उनके चेहरे पर रुलाई आ जाती है, तो ऐसे शब्दों से आदमी दुखी हो जाता है, कई शब्द आदमी को प्रसन्न निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसे शब्दों में से जो कई शब्द सभ्य संस्कृत सात्विक और सुसंस्कृत बन जाते हैं, कई शब्द आदमी को निष्क्रिय बना देते हैं, तो अब मत करो, तुम्हें ये अपने भाग्य में जो होगा वो मिल जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत है कि भगवान के ऊपर छोड़ दो, तुम्हें मिल ही जाएगा। ऐसे शब्द आदमी को निष्क्रिय बना देते हैं और जीवन में उसे कभी सफलता उसकी प्राप्त नहीं हो जाती। जिस जगत के विज्ञान के दाता कहते हैं जो न्यूटन है, न्यूटन ने बताया है कि हमें जीवन में सफलता पाने के लिए पूर्णत्व सिद्ध करने के लिए हमें 90% परिश्रम की जरूरत होती है, 5% हमारे बुद्धि की जरूरत होती है, 5% उनके सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे मिलान से 100% हमें जीवन में सफलता की पूर्णत्व सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ऐसे शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जो अन्य भाषाओं के साथ जुड़ सकते हैं, उनका मिलनसार बन जाता है, घुलमिल करते हैं ऐसे शब्द जो ऐसे अन्य भाषा के हिंदी के शब्दों का सहयोग बन जाता है। तो ऐसे शब्दों में देखा जाए तो हमारे जो अंग्रेजी के शब्द है तो बस है, रेल है, रेडियो है, स्टेशन है, कार है, ऐसे अंग्रेजों का शब्द का प्रवाह हमारे हिंदी भाषा में आया है, उसका प्रयोजन हम हमारे जीवन संसार में वाणी से संप्रेषित करने के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन कई भाषाओं के शब्दों का उद्गम जो है, जो खास तौर पर देखा जाए तो द्रविड़ भाषा में शब्द अपने परिवार के लिए सीमित रखता है, लेकिन कई शब्द मिलनसार बन जाते हैं। जैसे हिंदी का शब्द अलबत्ता शब्द जैसा है, ये अपना अन्य भाषाओं से मिलनसार बन चुका है, कई शब्द सीमित बन जाते हैं। ऐसे शब्द से माध्यम से हम अपनी भाषा का संप्रेषण कर सकते हैं। ऐसे अन्य बहुत ही भाषा का उनका स्रोत है, उद्गम स्थान है, ऐसे भाषा में से एक मिलजुल कर ये भाषा, ये शब्द उसकी संपदा बन जाती है। ऐसे बहुत ही शब्द संपदा हम जब एकत्रित करेंगे, संकलित कर लेंगे तो हमारा दौर से व्यक्तित्व और ही खुल जाएगा। हमारे व्यक्तिमत्व की सुगंध धारा जो है बहुत ही वातावरण में, प्रकृति में वो प्रवाहित हो जाएगी, ताकि ये संसार का हर एक आदमी उससे प्रभावित हो सके। ऐसे शब्द संपदा हमें एकत्रित करने चाहिए, सभी शब्दों का हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए, उसकी हमें जड़ निर्माण करने चाहिए, उसका संग्रह करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसकी मौलिकता हमें समझनी चाहिए। शब्द संपदा से हम ये महसूस कर लेते हैं।